हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको स्टडी स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर जो 3 है उससे संबंधित है। यूनिट 3 में इसका वर्णन आया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्रकार का रेफरेंस स्किल है, संदर्भित कौशल है। भाषा के चार चार कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आपको पता ही है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे कौशल हैं जो उससे संबंधित है। उसी में एक कौशल आता है स्टडी स्किल, जिसका हम हिंदी में हम उसको बोलते हैं अध्ययन कौशल। क्या बोलते हैं? अध्ययन कौशल। आइए हम जानते हैं कि अध्ययन कौशल है क्या, स्टडी स्किल है क्या। तो उसके सबसे पहले मीनिंग के बारे में जानते हैं। स्टडी स्किल आर अप्रोचेस अप्लाई टू लर्निंग, मतलब स्टडी स्किल क्या है? यह एक ऐसा स्किल है जिसके माध्यम से हम सीखते हैं, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं। यह स्किल सीखने का एक बहुत बड़ा स्किल है। हम जब घर पे होते हैं, या हम विद्यालय में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, हर जगह जहाँ टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होता है वहाँ तो हम सीखते ही सीखते हैं। लेकिन उसके अलावा जो एक विद्यार्थी होने के नाते या एक शिक्षक होने के नाते जो हमें अपने ज्ञान के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है, उसमें हमारे स्टडी स्किल्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। स्टडी स्किल बहुत बड़ा स्किल है और यह हमारे सीखने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। सीखने के लिए एक मतलब पुल का काम करता है, एक अप्रोच का काम करता है। अब हम देखते हैं कि इसके डिफिनिशंस। एक डिफिनिशंस है बाई हार्बोई और मुलेन के द्वारा। हार्बोई और मुलेन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मोटिवेशन, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, पार्टिसिपेशन, रीडिंग, नोट टेकिंग एंड राइटिंग स्किल टेक्निक्स आर कॉल्ड स्टडी स्किल। इसका हिंदी मीनिंग है कि अध्ययन कौशल जो है वो क्या है? प्रेरणा, एकाग्रता, नियोजन, भागीदारी, पढ़ना, नोट लेना और लिखना कौशल जो है, यही अध्ययन कौशल कहलाता है। मतलब हर चीजें उसमें मोटिवेशन, पढ़ते हैं जब, स्टडी करते हैं तो हमको अपने आप से मोटिवेशन मिलता है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती है। प्लानिंग, हम नियोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो हम अपना नियोजन कर लेते हैं, प्लानिंग करते हैं। पार्टिसिपेशन, भागीदारी के साथ किसी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो उसके साथ हम एक तारतम्यता बना लेते हैं, एक उसके साथ इंटरेक्शन करने लगते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके साथ एक भागीदारी, हमारी भागीदारी उसमें बढ़ जाती है सीखने के प्रति। रीडिंग, स्टडी करना और रीडिंग करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टडी कौशल भी है लेकिन स्टडी ज्ञान बढ़ाने का एक पुल है, एक चेन है। लेकिन रीडिंग क्या है? हम जब अध्ययन करते हैं तो रीडिंग के थ्रू ही करते हैं। रीडिंग साइलेंट रीडिंग होगा या फिर लाउड रीडिंग होगा। तो अक्सर जो है हम लोग स्टडी स्किल्स में लाउड रीडिंग नहीं करते हैं, साइलेंट रीडिंग ही करते हैं। नोट टेकिंग, कुछ पढ़ते समय, स्टडी करते समय यदि कुछ उतारना हो, नोट करना हो, तो हम उसको नोट कर लेते हैं। राइटिंग स्किल्स भी है, हम पढ़ते भी रहते हैं, स्टडी भी करते रहते हैं और कुछ नोट डाउन करते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं। तो इस सबको मिला करके जो है एक स्टडी स्किल्स तैयार होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि स्टडी स्किल्स एकेडमिक जो है कितना बहुत बड़ा उसका रेंज है। इसके बारे में टुक मैन जो है, एक दूसरा थिंकर टुक मैन है, उसने क्या कहा है? द लर्निंग एंड मोटिवेशन स्ट्रेटेजीज दैट एनेबल ए स्टूडेंट टू बी सक्सेसफुल। इसका हिंदी मीनिंग ये होता है, सीखने और प्रेरणा की रणनीतियां जो एक छात्र को सफल होने में सक्षम बनाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम छात्रों के द्वारा जब छात्र सीखते हैं तो सीखने के लिए एक रणनीति की जरूरत होती है, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो सीखने के लिए और प्रेरणा की जो रणनीतियां हैं वो छात्र को एक सफल होने में एक मजबूत स्तंभ का काम करती है, और इसके लिए स्टडी स्किल का होना बहुत जरूरी है। ये दो थिंकर जो है उन्होंने स्टडी स्किल को डिफिनिशन दिया है, डिफाइन करने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं कि स्टडी स्किल्स आर लर्निंग स्ट्रेटेजी दैट हेल्प अस, मतलब स्टडी स्किल जो है सीखने की रणनीति है जो हमारी मदद क्या करती है, किस किस चीजों के लिए मदद करती है। देखिए, ऑर्गेनाइज, प्रोसेस, रीड एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, अर्थात सूचना को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित संसाधित पढ़ने और उपयोग करने में मदद करती है। जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको प्रभावी ढंग से वो व्यवस्थित करती है, यानी ऑर्गेनाइज करती है, संसाधित करती है और हमको पढ़ने में काफी सारे मदद करती है, उपयोग मतलब सहायता प्रदान करती है।
दूसरा मदद क्या करती है, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज आवर टाइम इफेक्टिवली। समय समय की बात यहाँ हुई है, मतलब प्रभावी ढंग से हम अपने समय को व्यवस्थित और प्रबंधित कर पाते हैं, समय का सदुपयोग कर पाते हैं। स्टडी स्किल हमें समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। हम ऑर्गेनाइज आवर सिलेबस, थ्री देखिए, ऑर्गेनाइज आवर सिलेबस हाउ एंड वेयर वी वर्क, मतलब यह कि हम अपने आप को कैसे और कहाँ व्यवस्थित करते हैं। मतलब स्टडी स्किल्स में हम ये भी देख पाते हैं एज ए लर्नर कि हम अपने आप को कहाँ और कैसे किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, यह भी हमें स्टडी करते हैं, स्टडी स्किल्स करते हैं सिखाता है। चौथा है मेक नोट एंड राइट इफेक्टिवली, मतलब हम किसी चीज को नोट करें, किसी चीज को प्रभावी ढंग से उसको लिखने की कोशिश करें, यह हमारा ये भी स्टडी स्किल सिखाता है। मतलब जो कुछ हम सीखते हैं और सीखने के दरमियान या पढ़ने के दरमियान स्टडी करने के दरमियान अक्सर ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीजें अचानक से नोट करनी पड़ती हैं, तो उसको भी हमें करना सिखाता है। और लास्ट है प्रिपेयर फॉर एंड टेक एग्जाम, हमें तैयारी करना, मतलब कहता है कि सीखने के लिए हमें तैयार होना बहुत जरूरी है, तो स्टडी स्किल जो है वो हमें तैयार करता है सीखने के लिए। और जब हम एग्जाम देते हैं तो आप जानते हैं अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है, निश्चित रूप से आप लोग इस स्टडी स्किल्स को कर रहे होंगे, बिना इसकी सहायता से तो मुश्किल है एग्जामिनेशन देना। तो स्टडी स्किल्स जो है बहुत इफेक्टिव है एग्जाम की तैयारी के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए। कहा तो ये भी जाता है, इसके बारे में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, कहा जाता है कि स्टडी स्किल्स आर जनरली कंसिडरेड इसेंशियल फॉर एक्वायरिंग गुड ग्रेड्स एंड यूजफुल फॉर लर्निंग एंड एकेडमिक एज वेल एज अदर कॉन्टेक्ट्स, यानी अध्ययन कौशल को आमतौर पर एक अच्छे ग्रेड, ग्रेड का मतलब स्थान, स्टैंडर्ड स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है, और शैक्षणिक के साथ साथ अन्य संदर्भों में भी सीखने के लिए यह काफी उपयोगी है। मतलब हम जब सीखते हैं पढ़ते हैं किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं छात्र हूँ, मैं किस चीज के लिए पढ़ रहा हूँ, एक अच्छा ग्रेड पाने के लिए पढ़ रहा हूँ, एक अच्छा पोजीशन पाने के लिए पढ़ रहा हूँ, एक अच्छा स्तर पाने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो स्टडी स्किल का दायरा बहुत बड़ा है। कहा भी गया है देयर इज वाइड रेंज ऑफ स्टडी स्किल, यानी स्टडी स्किल्स का रेंज बहुत बड़ा है। कैसे, विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन, रिटेनिंग इंफॉर्मेशन और डीलिंग विथ असेसमेंट्स। अध्ययन कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला है जो नई जानकारी को व्यवस्थित करने में, उसे लेने में, जानकारी प्राप्त करने में या उसको बनाए रखने में, आकलन करने में भी ये जो स्किल है वो काफी इफेक्टिव माना गया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहता हूं, और एक थाउट के साथ देखिए डॉक्टर जॉनसन ने क्या कहा है अध्ययन के बारे में। वो कहते हैं वस्तुएं बल से छीनी जा सकती हैं अथवा धन से खरीदी जा सकती हैं, किंतु ज्ञान केवल अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। माने हम कोई चीज खरीदेंगे वो आसान से हम खरीद लेंगे, कोई भी चीज, हम वस्तु, कोई भी वस्तु खरीदना चाहें आसानी से खरीद सकते हैं, धन से खरीद सकते हैं, छीन भी सकते हैं, लेकिन नॉलेज जो है वो छीनी नहीं जा सकती है, ना ही धन से उसको खरीदा जा सकता है, बल्कि अध्ययन से उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि स्टडी स्किल्स क्या होता है, और भाषा में इसका क्या, जो भाषा जो है सीखने की जो कला है, भाषा पढ़ने के लिए हमें अध्ययन कौशल का होना बहुत जरूरी है। अध्ययन कौशल हमें सारे विषयों में मदद प्रदान करता है। तो हमें निश्चित रूप से आशा है कि आप लोगों ने स्टडी स्किल्स के बारे में समझा होगा। थैंक यू सो मच।